हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली और आर क्राउन रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से आसान सी चकली रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी गेहूं का आटा और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़े से तिल। यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाले तिल इस्तेमाल किए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। आप चाहे तो इसको रोस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वादानुसार नमक। और फिर हम इसमें डालेंगे तीखापन आने के लिए लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड करें। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। आप चाहे तो यहाँ पे जीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है पफ की हुई चना दाल, इसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इन दोनों को हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। इससे हमारे चकली में बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास ये हो तो इसको ज़रूर ऐड करें। हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बारीक हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे ये गरम ऑयल। इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। लगभग 3 चम्मच ऑयल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें ऑयल उतना डालना है कि ये आटा जो है हाथों में पकड़ते ही शेप पकड़े, इतना ही इसमें हमने ऑयल डालना है। ये देखिए, इस तरह से बढ़िया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना करके लिए इसको थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल करें, जिससे हमारी चकली बहुत बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आटा हम चपाती की तरह इसका डो बना लेंगे। ये देखिए, हमारा ये आटा बनके तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे ऊपर की साइड से। बहुत बढ़िया से हमारा आटा बनके तैयार है, ये देखिए। अब हम इसके एक समान हिस्से कर लेते हैं और हमने यहाँ पे यूज़ करनी है चकली मेकर मशीन। ये देखिए, इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल पहले से लगा लेना है ताकि इसमें हमारा आटा चिपके ना। और हम बना रहे हैं इस प्लेट के बेस पे चकली, तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम चकली बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसको उठाने में हमें आसानी होगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बना लेना है, इस तरह से राउंड राउंड, और इसका एंड और स्टार्ट जो होता है उन दोनों को अच्छे से ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो ये खुल जाती है फ्राई करते समय। इस तरह से इसको हमने प्लेट की बेस पे बनाया, तो ये देखिए कितने आसानी से निकल आती है। तो चलिए इनको कर लेते हैं फ्राई। तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें एक एक करके हम डालेंगे और इसको बढ़िया से क्रिस्पी होने तक हमने इसको फ्राई करना है। अगर आप चकली को अच्छे से क्रिस्पी नहीं बनने देंगे तो ये सॉफ्ट की सॉफ्ट रह जाएगी, इसलिए इसको बढ़िया से फ्राई करना है। बस फ्राई करते समय इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है कि इसको बढ़िया से कलर चेंज होने तक, और इस तरह से जब तक ये आवाज़ नहीं करती है तब तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है तो इसमें एक अलग सा आवाज़ होता है, ये देखिए इस तरह से, मतलब ये हमारी चकली अच्छे से क्रिस्पी बनी होती है, तभी इनको ऑयल से बाहर निकाले। और इसी तरह से बची हुई आटे की हम चकलियाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने बनाई गेहूं के आटे से बनने वाली ये आसान सी स्नैक रेसिपी। इसको ज़्यादा समय नहीं लगता और बहुत स्वादिष्ट बनती है, और आप इसे 15 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही सही खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आर क्राउन रेसिपीज़, और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ऐसे ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।